क्या होगा? 7 10 8 1 7 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 10 प्लस 8 1 बीच में क्या आएगा? माइनस। तो माइनस 51 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 10 प्लस 1 1 तो 5 10 प्लस 1 1 ये क्या हो गया? हमने पूरा लिख दिया जो ऊपर हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में लिखा था वो नंबर है। फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 10 प्लस 8 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 5 10 हो जाएगा एंड माइनस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम लिखेंगे माइनस 1 1। अब हम क्या करेंगे? 7 10 में से 5 10 को जो 10 10 वाली वैल्यू है उनको सबट्रैक्ट करेंगे। तो 7 10 माइनस 5 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 10। फिर 8 1 माइनस 1 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस 7 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड मेथड। अब अगर हमें इसे शॉर्ट मेथड में सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? 78 माइनस 51। तो 8 एंड 1 जो है वो कहाँ पे प्लेस है? 1s की वैल्यू पे, और 75 जो है वो 10s की वैल्यू पे प्लेस है। तो हम सबट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1s की प्लेस से। तो 1s की प्लेस से सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले करेंगे सबट्रैक्शन 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो हम इसका आंसर कहाँ लिखेंगे? 1s के कॉलम में। फिर 10 के कॉलम में सबट्रैक्शन करेंगे तो 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो वो कहाँ लिखेंगे? 10 के कॉलम में। अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं शॉर्ट मेथड से। तो 85 माइनस 62 दे रखा है, तो 5 एंड 2 जो है वो 1 की प्लेस पे है, 8 एंड 6 जो है वो 10 की प्लेस पे है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। 5 में से 2 माइनस करना है तो 1 2 3 4 5, 5 लाइंस बना ली हमने। 5 में से कितना माइनस करना है? 2 माइनस करना है, तो 2 लाइंस कट कर देंगे 1 2। तो बची कितनी? 1 2 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब हम 10 के कॉलम में माइनस करेंगे 8 माइनस 6, तो क्या करेंगे हम? 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे 3 4 5 6 7 8। उसमें से हम कितने लाइन सब कट कर देंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लाइन बची? 1 एंड 2। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 23। अब हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 1 1 जो है वो कहाँ पे है? 1s की प्लेस पे। 7 1 जो है वो कहाँ पे है? 10s की प्लेस में। तो 1s की प्लेस से सबट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। फिर 10s की प्लेस से सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 1, तो 7 में 7 लाइन में से 1 लाइन चली जाएगी, तो कितनी बचेगी? 6 लाइन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। तो हमारा आंसर हो गया 60। अब हम सबट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर के बेसिस पे वन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक एग्जांपल दे रखा है, विराट कलर 64 पेजेस ऑफ बुक ऑन मंडे। विराट ने 64 पेजेस बुक के कलर किए मंडे को। देयर आर 95 पेजेस इन ऑल, मतलब टोटल बुक के पेजेस कितने हैं? 95। और हाउ मेनी पेजेस आर स्टिल टू बी कलर, हमको क्या बोला है? वो हमको पूछा है कि अभी कितने पेजेस बाकी है कलर करने के। तो हम क्या करेंगे? हमको टोटल पेजेस कितने दिए हैं? 95। उसमें से विराट ने 64 पेज तो कलर
किया, फिर 5-4 कहाँ पे प्लेस है, 1 की प्लेस पे, 9-6 कहाँ पे प्लेस है, 10 की प्लेस पे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5-4 करेंगे तो 5 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 5 लाइंस में से 4 लाइंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4 हमने 4 लाइंस कट कर दी, तो हमारे पास क्या बचा, 1, तो हमारा आंसर हो गया 1। फिर 9-6 करेंगे तो क्या करेंगे, 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे उसमें से 6 लाइंस कट कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या करना है, 6 लाइंस कट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 लाइंस कट कर दी, तो हमारे पास कितनी लाइन बची, 1, 2, 3 3 लाइंस बची, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, तो हमारा आंसर हो गया 31, यानी कि विराट को अभी 31 पे